हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का पॉकेट गुरुजी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करके बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप अपने किड्स के मोबाइल फोन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हो। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है दो मोबाइल, पहला तो ये है जिसमें हम ये एप्लीकेशन डालने वाले हैं और दूसरा ये है जिससे हम इसको ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने किड्स के फोन में जो भी सेटअप करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या आप इससे ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना फोन रखते हैं साइड में और इस फोन में जिस फोन को हमको ट्रैक करना हो उसमें हम अपना सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है CLEVGUARD.net। इतना टाइप करके आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड राइट टू डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। तो ऐसा आने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुली ना, तो आप दोस्तों देख सकते हो सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये हमारा सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे और यहाँ पर इतना करने के बाद आपको इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इसको पढ़ लेना आराम से, यहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ें हैं और यहाँ से आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ईमेल और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर कौन सा ईमेल और कौन सा पासवर्ड डालना है चलिए मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है ClaveGuard लिख के। ClaveGuard आप लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके नीचे यहाँ पे आ जाएगा ClaveGuard.com। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप किड्स गार्ड प्रो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको साइन अप करना है। तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है और कोई भी एक यूनिक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको इसको साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद यहाँ से जो भी आपको परचेज करना है यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो, जो भी आपको प्लान लेना है। तो चलिए यहाँ से तो हो गया हमको कैसे साइन अप करना है और कैसे क्या करना है इसकी बात है। तो यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं अपने ऐप पर और यहाँ से हम अपना जो ईमेल है और पासवर्ड जो मैंने बनाया हुआ है जो डाल के, यहाँ से मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपका चाइल्ड का नेम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको चाइल्ड का नाम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी नाम। और यहाँ पे उसका एज क्या है आपको डाल देना है। तो एज डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपको क्या करना है, गॉट इट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से जाना है नीचे और यहाँ पे सिस्टम अपडेट सर्विस यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ से फिर से आपसे पूछेगा प्रोसीड टू सेटिंग। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को बंद करना है। बाद यहाँ पे ऑलरेडी सेट यहाँ दे सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पूछेगा ऑलरेडी सेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे फिर से आपसे पूछेगा प्रोसीड टू सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेट सर्विस है, यहाँ पे इसको क्या करना है, यूज सिस्टम अपडेट सर्विस, और यहाँ से अलाउ कर देना है। और फिर अलाउ करने के बाद आपसे पूछेगा तो फिर से आपको जाना है प्रोसीड टू सेटिंग और यहाँ से फिर से आना है सिस्टम अपडेट सर्विस पे, यहाँ फिर से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू सेटिंग यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिस्टम अपडेट सर्विस को यहाँ से भी आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, फिर से यहाँ से पूछेगा तो फिर से आपको प्रोसीड टू सेटिंग और यहाँ से क्या करना है, एक्टिवेट दिस डिवाइस, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करना है, एक्टिवेट डिवाइस एडमिन और यहाँ से प्रोसीड और यहाँ से स्टार्ट नाउ कॉल करना है, यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद आपको परमिशन पे आ जाना है और परमिशन आप दे सकते हो यहाँ से नॉट अलाउड है, तो इसको भी हमको अलाउ ऑल द टाइम यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट मॉनिटरिंग, इतना करने के बाद आपका काम हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो वेटिंग दिखा रहा है। तो ऐसा होने के बाद ही आपके फ़ोन से ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन हमने इसमें इंस्टॉल करा था ना यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमारा काम सक्सेसफुली इसमें हो गया, हमने पूरा सेटअप कर लिया है। तो चलिए अब हम इससे इसको ट्रैक करते हैं कि देखते हैं इसका जो भी डाटा है इसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने मोबाइल पे आ गए हैं और यहाँ से हमको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है CLEVGUARD। इतना लिख के आपको क्या करना है, गो कर देना है और गूगल में आपको इसको सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको लॉगिन करना है ClaveGuard.com पे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा आपको, इसमें आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन पे आ जाना है।
और लॉगिन करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों डैशबोर्ड, और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फोन फाइल्स। तो फोन फाइल्स में जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने कॉल लॉग्स, मैसेजेस, कॉन्टेक्ट्स, ब्राउज हिस्ट्री, फोटोज, वीडियो प्रीव्यूज एंड ऐप एक्टिविटीज आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइन वाइज लाइन यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल लॉग्स पे गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे कॉल्स आए रहेंगे, गए रहेंगे, और कितना देर बात हुआ, कब कॉल आया, ये सब यहाँ पे आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जब आप मैसेजेस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसान तरीके से सबके मैसेजेस यहाँ पे देख पाओगे, कौन कौन से मैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे जब आप जाओगे तो कॉन्टेक्ट भी देख पाओगे, ब्राउज हिस्ट्री भी देख पाओगे, यानी वो बंदा जो भी है वो क्या सर्च कर रहा है अपने फ़ोन में, वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ पे फ़ोटोज़ पे आप क्लिक करके यहाँ से उसके फ़ोन में क्या कौन से फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, वो फ़ोटोज़ भी आप देख पाओगे। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल किया है, कुछ टाइम लेता है यहाँ पे अपलोड होने में। और यहाँ पे आपको एक बात और नोट करने वाली बात है, काइंडली नोट पिक्चर्स विल ओनली अपलोडेड वाईफाई, यानी कि जब वाईफाई से वो पर्सन कनेक्ट होगा तभी यहाँ पे जो पिक्चर्स है यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो प्रीव्यू भी है, कौन कौन से वीडियो उसने रखा हुआ है यहाँ पे, आप प्रीव्यू भी उसका देख सकते हो। ऐप एक्टिविटीज़, यानी कि ऐप एक्टिविटीज़ में आने के बाद, यानी वो पर्सन अपने मोबाइल में कौन कौन से ऐप को यूज़ कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं अगले उस पर चलता हूँ, और यहाँ से कैलेंडर है, लोकेशन ट्रैकिंग है दोस्तों, यानी कि आपका जो पर्सन है वो कहाँ है, किस जगह मौजूद है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन ट्रैकिंग पे क्लिक करके। और यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे उसका लाइव लोकेशन आप देख सकते हो कि वो पर्सन अभी इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, यानी कि यहाँ से दोस्तों आप उसके फ़ोन का, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने क्लिक करा और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ गया है। तो ऐसे ही बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों, और यहाँ पे डाटा एक्सपोर्ट और परमिशन चेक भी यहाँ पे कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने कितना ही आसान था किसी का भी फ़ोन ट्रैक करना। तो ऐसे में दोस्तों एक बात आपको जानने वाली बात यह है कि अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन लोअर वर्जन का है एंड्रॉयड, तो उसमें आप बहुत ही स्मूथली तरीके से ये ऐप वर्क करा पाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन जो है जिसमें आप ये एप्लीकेशन डाल रहे हो अगर वो हायर वर्जन एंड्रॉयड है, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।